The movie was really nice. I found that there was some inspiring in the movie, like the girls and boys who are lesbians or gay, they got inspired from this movie. Okay, so how many stars you would like to give out of 5? I think 5. Okay, thank you. Welcome. So, ma'am, आपने बताई तो मूवी देखी तो आपको कैसी लगी? मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी एंड इट इज़ समथिंग विच इज़ अ करंट टॉपिक एंड इट्स गुड दैट इट्स कम आउट. द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इट इज़ वेरी डिफरेंट, सो हाउ डू यू लाइक द कॉन्सेप्ट? द कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली ट्रेंडिंग राइट नाउ बिकॉज द LGBT कम्युनिटी इज कम आउट इन इंडिया वेरी रिसेंटली एंड देर इज नो एक्सेप्टेंस इन द सोसाइटी. सो होपफुली लुकिंग एट द मूवी देर माइट बी सम चेंज. ओके, कॉन्सेप्ट की बात की जाए, सिनेमेटोग्राफी, फिल्मोग्राफी, वो सब आपको क्या पसंद आया ज़्यादा? सॉन्ग्स हैं, सॉन्ग्स आर वेरी गुड. लाइक द रैली सॉन्ग मेक्स यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ अ क्राउड लाइक दैट एंड शोज द ओपननेस एंड द एक्सेप्टेंस अमंग पीपल. सो या सिनेमेटोग्राफी इज रियली गुड. एंड कैरेक्टर की बात की जाए, भूमि या राजकुमार राव? Both actually, but I liked Rajkumar Rao's character more because it's more relatable. Ke it, right now in India, people are like that who really want a light of the society, but then they gather up the courage. So it's a more inspiring character. What is your view on LGBTQ? I support LGBTQ community. It is something that you really can't do about it, but you should be a part of it, like support it. Out of 5, how many stars? 4.5. Thank you. बधाई दो. कैसी लगी आपको? बधाई दो, बहुत अच्छी मूवी बनाई है. बधाई हो के बाद ये सीक्वल है उसका. यहाँ पे हीरो सिर्फ चेंज है, राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर. बहुत अच्छी तरह के ऐसे मूवी को बनाया गया. ये स्टोरी है लेस्बियन एंड गे के ऊपर, मतलब कि बहुत अच्छी मूवी है और स्टोरी बहुत अच्छी है. फर्स्ट हाफ की बात की जाए तो उन्होंने फर्स्ट हाफ में कॉमेडी वगैरह सब डाला, एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश किया मूवी के जरिए. दोनों राजकुमार राव की भी और अपना भूमि पेडनेकर, दोनों ने अच्छे काम किए मूवी के अंदर. मूवी को मैं दूंगा 3 स्टार. थैंक्स. यस मैम, एकदम एक नंबर. बढ़िया स्टोरी थी, मूवी भी अच्छी थी, काफ़ी अच्छी मूवी थी. इसके लिए मैं 5 स्टार देने के लिए भी रेडी हूँ अगर मूवी देखना चाहूँ. कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग था, तो कॉन्सेप्ट के बारे में बात की जाए तो कॉन्सेप्ट इज वेरी वेल. कॉन्सेप्ट मैम एकदम अच्छा था, जो समझेगा वो समझेगा स्टोरी को. और आपको कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा पसंद आया? मुझे तो हीरो की कैरेक्टर ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि उसने जो किरदार निभाया वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी थी. थैंक यू मैम. आपको कैसे लगी? अच्छा लगा. मतलब आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? मैडम का. अच्छा, अब कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग था, तो मतलब आपको कितना पसंद आया? उनको 3 स्टार दीजिए. अच्छा, और आप कितने स्टार देना चाहेंगे? थैंक यू. देखिए, तो आपको कैसे लगी? बहुत बहुत अच्छी मूवी थी एंड कंपैरेटिवली फर्स्ट मूवी से मुझे बेटर लगी. ओके, कॉन्सेप्ट काफ़ी डिफरेंट था पहली मूवी से लेके, तो आपको कैसा लगा कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट अच्छा था. इस कॉन्सेप्ट पे पहले भी आई थी एक शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, मुझे लगा सिमिलर होगी बट ऐसा नहीं था. एंड कॉन्सेप्ट वाइज फर्स्ट मूवी से भी मेरे को बेटर लगा एंड इमोशन जिसमें ज़्यादा थे, सो बहुत अच्छी मूवी थी. डायरेक्शन, सॉन्ग सबकी बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया? सॉन्ग्स तो ठीक ठाक थे, मतलब इतने नोन सॉन्ग्स नहीं थे. एक लास्ट वाला जो सॉन्ग था, गाने का नाम मुझे याद नहीं है, बट प्राइड मंथ वाला एक गाना है जो कि बहुत अच्छा है एंड डायरेक्शन इज फाइन. Out of how many stars would you like to give? Out of 5, I'll give it 4. Okay, thank you so much. Thank you.